आज हम सोयाबीन से बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये सॉफ्ट इतने बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सोयाबीन खाना पसंद नहीं करते हैं तब भी आपको ये सोयाबीन के कोफ्ते बहुत ही पसंद आएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर किचन में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम 100 ग्राम सोयाबीन लेंगे। सोयाबीन के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को हम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे, जिससे कि यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हाथों से निचोड़ कर इसके अंदर के पानी को निकाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब सोयाबीन को हम क्या करेंगे, पीसेंगे। इसके लिए इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। सारे सोयाबीन को हम एक बार में नहीं पीसेंगे, इन्हें हम दो बार पीसेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां, साथ ही छोटे टुकड़ों में कटे हुए 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और जार के ढक्कन को बंद करके इन सबको दरदरा पीसकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को दरदरा पीसकर तैयार कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे कि हमारे कोफ्ते जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी ताज़ी धनिया पत्ती डालेंगे, कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ या लम्स नहीं रहने चाहिए। आलू के वजह से कोफ्ते जो हैं सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन। अभी हम 2 से 3 बड़े चम्मच ही बेसन डालेंगे, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ 2 बड़े चम्मच प्याज डालेंगे। प्याज को भी सोयाबीन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमारा मिश्रण थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। मिश्रण हमारा चिपचिपा ना लगे इसके लिए हम थोड़ा सा और बेसन इसमें ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। हमारा मिश्रण जो है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लग रहा है। अब कोफ्ते बनाने के लिए मिश्रण में से थोड़ा सा पोषण लेकर इसे हाथों से गोल घुमाते हुए कोफ्ते का शेप दे देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा किसी भी शेप के कोफ्ते बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कोफ्ता बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह बाकी सारे कोफ्ते को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ते डालते जाएंगे। एक बार में हम सारे कोफ्ते नहीं डालेंगे, इन्हें हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। एक बार में सारे कोफ्ते अगर हम डाल देंगे तो इन्हें चलाने के टाइम में हमें दिक्कत होगी और कोफ्ते जो हैं टूटने लगेंगे। कोफ्ते तेल में डालने के बाद इन्हें हम थोड़ी देर छुएंगे नहीं, इन्हें हम तेल में अच्छी तरह से सेट होने देते हैं और चम्मच की सहायता से इनके ऊपर हम गरम तेल डालते जाएंगे, जिससे कि यह ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब इन्हें हम पलटेंगे। इन्हें हम हल्के हाथों से ही पलटेंगे। सारे कोफ्ते पलटने के बाद अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम अच्छा कलर आने तक उलट पलट कर फ्राई करेंगे। कोफ्तों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, इन्हें हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर कोफ्ते जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से बाकी सारे कोफ्ते को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। हरी इलायची के मुंह को खोलकर डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। अब इन सारे खड़े मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर तेल में आ जाए। खड़े मसाले को भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज,
प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब प्याज को हम पकाएंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें हल्का कलर चेंज होने तक पकाना है। प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक और लहसुन के भून जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर वाला पेस्ट। यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के टमाटर को मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बनाकर तब डाला है। मिक्सर जार में थोड़े से टमाटर के पेस्ट लगे हुए थे, उसे धोकर तब डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने की वजह से टमाटर जो है जल्दी से पक जाते हैं। नमक डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और लगाकर टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ढक्कन हटाकर टमाटर को चेक करेंगे। टमाटर जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं, इनमें से तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इस वक्त हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे ताकि मसाले जो हैं जले नहीं। धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। कलर के लिए डालेंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये खाने में बिल्कुल तीखा नहीं होता है, इससे कलर अच्छा आता है। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच। पानी डालने की वजह से मसाले जो हैं जलेंगे नहीं। अब मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश 2 से 3 बड़ा चम्मच क्रीम। क्रीम डालने से ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। क्रीम डालने के बाद अब गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। क्रीम के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप गर्म पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार डालिएगा। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से क्रश करने के बाद डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जब ग्रेवी में उबाल आने लगे तब इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। सारे कोफ्ते डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। कोफ्तों को हम ग्रेवी में ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद ढक्कन हटाकर अब क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। एक बार इसे मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। ये देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इसे आप चाहें तो राइस के साथ खा सकते हैं या पूरी, पुलाव, नान या कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी ग्रेवी देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी टेस्टी बनके तैयार हुई है। और कोफ्ते तो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो एक बार इसे मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा और बनाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।